क्या हमारे एसएससी में इंडियन टीम जीत सकती है? क्या इंडियन टीम क्वालिफाई हो पाएगी फाइनल्स में? क्या पहली बार इंडियन टीम फॉरेन कंट्री में जाके मार फोड़ के आएगी? ये एक कॉमन सवाल सब पूछ रहे हैं, चाहे स्ट्रीम पे हो चाहे कोई भी वीडियो पे हो, एंड आज यही आंसर करने में आया हूँ कि क्या एफएफएसी में हमारे इंडियन टीम्स जीत हासिल कर सकते हैं या नहीं। सो हमारे इंडिया से चार टीमें आगे बढ़ चुके हैं, वही टीम इलीट जो डायरेक्टली फाइनल्स में आपको दिखेंगे, बाकी तीन टीम्स यानी कि टोटल गेमिंग, देसी गेमर्स और पीवीएस आपको प्लेन्स खेल के आगे बढ़ते हुए दिखेंगी, जहां पे ग्रुप ए में देसी गेमर्स है और ग्रुप बी में टोटल गेमिंग और पीवीएस। अब मैं आपको बस तीन पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। पहली बात, ड्रॉप क्लैशेस। ड्रॉप क्लैशेस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इस बार के एफएफएसी में हमारे इंडियन टीम्स के साथ, स्पेशली देसी गेमर्स जो ग्रुप ए में हैं, उनके हर एक मैप में, चाहे बर्मुडा हो, कालाहारी हो, परगेटरी हो, कहीं ना कहीं उनके हर एक रीजन की टीम के साथ ड्रॉप क्लैश हो रहा है। अब प्रैक्टिस मैच में उनको यह पता लग जाएगा कि उनके साथ कितने कितने टीम्स आ रहे हैं और उस हिसाब से उनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, बट उनका ड्रॉप स्पॉट नहीं। मुझे ये लगता है कि अगर आपका कंफर्टेबल स्पॉट वो है तो आप क्यों चेंज करेंगे। और जहां तक मैंने इग्नाइट से बात की है, वो यही ओपिनियन रखता है कि हम पहले मैच में मरेंगे बट दूसरे और तीसरे मैच में जाके हम उनको मारेंगे, और यही चाहिए हमें देसी गेमर से। सो आई थिंक ड्रॉप क्लैश अगर हो रहा है तो लो बट मारो एंड जीतो उस जगह। अब दूसरा पॉइंट है कि डोंट चेंज योर प्लेइंग स्टाइल, मतलब आप जिस तरीके से गेम को खेलते हो और अप्रोच रखते हो उसे मत चेंज कीजिए, चाहे वो अग्रेसिव हो सकता है, चाहे वो कंट्रोल्ड अग्रेशन हो सकता है, या फिर पैसिव अप्रोच हो सकता है। एंड इसीलिए मैं सिर्फ पीवीएस नाम की जो टीम है जो इस बार ग्रुप बी में आपको खेलते हुए दिखेगी उसको थोड़ा आगे रख रहा हूँ डीजी और टीजी से, क्योंकि उनका प्लेइंग स्टाइल थोड़ा अग्रेसिव है एंड मुझे पर्सनली लगता है कि बाहर की टीमों के साथ फाइट करने के लिए ये अनएक्सपेक्टेडनेस जो पीवीएस ऑन द प्लेट लेके आ रही है वो काम कर सकता है। एंड उनका जो नेचर है थर्ड पार्टी करने का, उनका जो नेचर है घुस घुस के मारने का, अगर उन्होंने चेंज नहीं किया जिसको वो चाहे पिछले एक साल से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ये ना एक मूवी में कहा हुआ था, आई थिंक चांदनी चौक टू चाइना में कहा था कि मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तीसरा पॉइंट है कि हमारे इंडियन टीम्स के पास इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत कम है। हाँ, आप कह सकते हो कि टोटल गेमिंग और टीम इलीट पुराने जो सीआरएस इलीट के नाम से जाने जाते थे, तो उन्होंने कॉन्टिनेंटल सीरीज में पार्टिसिपेट किया था, बट उनका रन उस टाइम पे बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं था एंड वो खुद बहुत डिसअपॉइंटेड थे अपने परफॉर्मेंस। सो इस बार वो खुद एक प्रूफ करना चाहते हैं एंड इसीलिए मैंने दूसरे पॉइंट पे भी ये चीज़ मेंशन किया कि वो एक अनएक्सपेक्टेड नेचर है इंडियन टीम्स का, वो जाके वहाँ पे ना धावा बोलना चाहते हैं, एक चीता या फिर एक लायन को देखा है ना कि ऐसे मारते हैं सीधा हाथ से, उसको अगर अनलीश करते हैं हमारे इंडियन टीम्स और बिल्कुल भी नो पैनिक नहीं करते हैं, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी जाके वहाँ पे घबराते नहीं है ना, तो फिर हमारे इंडियन टीम्स को ना कोई रोक नहीं पाएगा। बस मेरा ये मानना है कि ये तीन पॉइंट्स तो ठीक है, अगर हमारे इंडियन टीम्स क्वालिफाई नहीं भी हो पा रही, जीत भी नहीं पा रहे, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है उनके लिए एंड इस टाइम पे चाहे वो अच्छा खेले या बुरा खेले उनको सपोर्ट करो, उन्हें ये मत बोलो कि आप ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, बस उन्हें वो मेंटल स्ट्रेंथ दो। एंड अगर हमारे इंडिया में से किसी भी टीम ने घुस के एक बार मार दिया ना गाइज, वहाँ पे इंडिया का नाम मैप पे आ जाएगा, चाहे उस उन्होंने फीनिक्स फोर्स को घुस के मार दिया हो, केओजी को घुस के मार दिया हो, एचक्यू को घुस के मार दिया हो, वो बस उन्हें मारना है और मैं कह रहा हूँ इस बार वो होगा और मेरी अंदर की गट फीलिंग बोल रही है। और आपकी क्या गट फीलिंग बोल रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था ना कि ये चैनल का कमान आपके हाथों में, बस चलाओ। तो इस वीडियो में 300 लाइक पहुँचा दीजिएगा, तब तक मैं वापस आता हूँ अगले वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, सी या।